नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पेक्स के चैप्टर्स इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। ये लॉज ऑफ मोशन हमारा पहला चैप्टर होगा। आज से ये वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी और मैथ की भी। मैथ की तो आ ही रही थी, साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी आ जाएंगे। ये पहला ऐसा चैनल है जहाँ पर इंग्लिश में कंटेंट मिलता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पूरी कराएंगे। पॉलिटेक एंट्रेंस एग्जाम 2020 जरूर पूरा होगा। तो चलिए दोस्तों लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला हमारा टॉपिक आता है कि लॉज ऑफ मोशन हम क्यों पढ़े। तो सबसे पहले यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये पूरे पैराग्राफ में बताया गया है कि लॉज ऑफ मोशन हमारा एक सेंट्रल इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स का। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है लॉज ऑफ मोशन, एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और लॉज ऑफ मोशन हमारे न्यूटन सर के द्वारा दिए गए हैं, न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। तो उन्होंने तीन लॉ लाए थे हमारे लिए, हम वो तीनों लॉ भी पढ़ेंगे और साथ में जानेंगे इनकी इम्पोर्टेंस क्या है डेली लाइफ में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है फोर्स। तो दोस्तों फोर्स, हम इस पैराग्राफ का पूरा सार बताते हैं, हम इसे नहीं पढ़ेंगे वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। तो फोर्स होता है हमारा पुश और पुल। पुश और पुल कहने का मतलब है, अगर ये बॉडी है, अगर इसे हम पुश देते हैं तो ये हमने फोर्स लगाया, और खींचते हैं तो पुल। तो मतलब ये फोर्स होता है हमारा बेसिकली पुश और पुल। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, फोर्स इज द पुश और पुल विच कैन चेंज द पोजिशन ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड। मतलब अगर एक बॉडी अगर स्टेट में, रेस्ट के स्टेट में है, तो हम उसे धक्का देंगे तो वो चलने लगेगी, और अगर वो चलती हुई आ रही है और हम उसे रोकेंगे तो रुक जाएगी, फोर्स लगाएंगे तो रुक जाएगी। तो यही कहना चाह रहा है कि फोर्स हमारा पुश और पुल होता है, जिसे हम ज़रूरत पड़ने पर किसी वस्तु को रोक या चला सकते हैं। फोर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो बैलेंस फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स ये होता है कि अगर एक बॉडी है उस पर फोर्सेस लग रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा तरीके से, अभी दो से बताते हैं, दो से तरीके लग रहे हैं, फोर्स F1 और फोर्स F2, ये दो फोर्स हैं ये इस पर लग रहे हैं, पर ये बॉडी अभी भी उसी जगह पे है, ना इस साइड जा रही है ना इस साइड जा रही है। तो दोस्तों इसे कहेंगे बैलेंस फोर्स, क्योंकि F1 और F2 एक दूसरे के समान है, इक्वल है। और अब इसके बाद आता है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स वह फोर्स होते हैं, अगर इस पर दो फोर्स लग रहे हैं और बॉडी इस साइड आ रही है, एक बड़ा है और एक छोटा है फोर्स, तो दोस्तों इसे इस प्रकार के कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। आप इनकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ देयर आर मैनी फोर्सिंग एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट रिजल्टेंट ऑफ देम ऑल इज जीरो। मतलब हमने अभी बताया था कि ये दोनों बराबर होंगे, तो F1 प्लस F2 बराबर हमारा जीरो होगा। तो अब चलिए दोस्तों देखते हैं, आप हम अनबैलेंस फोर्स की भी ये डेफिनेशन होगी, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज आर नॉट जीरो। मतलब एक बड़ा था फोर्स और एक छोटा था, तो इनका रिजल्टेंट लाजमी है कि एक साइड ही आएगा, कुछ नंबर ही आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल तो है नहीं, तो एक दूसरे से काटेंगे तो कुछ नंबर आएगा जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स रहेगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, अब आता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स ने तीन लॉ मोशन दिए थे, एक तो लॉ ऑफ इनर्शिया पहला, दूसरा दिया था लॉ ऑफ मोमेंटम जिसमें हम फोर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, और तीसरा था एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए दोस्तों पहला पढ़ते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया हमारा बेसिकली होता है, इसका मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया कहना का अर्थ होता है कि अगर एक कोई बॉडी है, जैसे ये पेंसिल है, जब तक वह रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स मतलब मेरी उंगली से मैं अगर इसमें फोर्स लगाता हूँ एक्सटर्नल फोर्स, तब वह हिलेगी, वरना अगर मैं अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर कोई ऐसी प्रकार की कोई बॉडी है, अगर वो चलना चाहती है, चल रही है, तो वह जब तक चलना चाहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे और वह रुक ना जाए। तो बस दोस्तों यही कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया, एवरी बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब जब तक वह चलेगी या रुकी रहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया, ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। अब लॉ इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी
वाई वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी ट्राइज टू रिटेन इट्स स्टेट, मतलब अगर एक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहेगी, वह चलना नहीं चाहेगी। तो यही कहना चाह रहा है इसमें, इस लाइन में, कि वह बॉडी रुकी रहना चाहेगी अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, और या वो चल रही है तो वो चलती रहना चाहेगी पर एक्सटर्नल फोर्स लगा है तो वो रुक जाएगी। चलिए, इनर्शिया दो प्रकार का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है अगर बॉडी एक रुकी हुई है तो वह रुकी रहना चाहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट देन इट विल रिमेन्स इन रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। और इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है कोई बॉडी चल रही है तो वह चलती रहना चाहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इफ द बॉडी इज इन मोशन देन इट विल रिमेन्स इन द मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। चलिए दोस्तों, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब इनके एग्जाम्पल कहते हैं, सबसे पहले इस साइड वाले को देखते हैं हम। देयर आर सब एग्जाम्पल्स इनर्शिया इन डेली लाइफ। जैसे कि पहला तो है कि एक कोई गिलास है, आपकी खिड़कियों में गिलास लगे रहते हैं, अगर उन गिलास में अगर कोई पत्थर मारा जाए तो वह टूट जाता है, और अगर उस पर एक गोली मारी जाए तो वह छेद कर जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, कि अगर जब हम पत्थर मारते हैं तो पत्थर का साइज बड़ा होता है और गिलास पूरा मोशन में आ जाता है, और कुछ ही भाग रह जाता है जो रेस्ट में रहता है, इसलिए वो बड़ा होल बनाता है। और अगर एक गोली मारते हैं तो गोली छोटे से हिस्से पे कवर करती है और उसको रेस्ट से मोशन में लाती है, पर बाकी गिलास तो रेस्ट में रहता है इसलिए वह छोटा होल बन जाता है। इसी प्रकार से एक कोई व्यक्ति बस में बैठा रहता है तो अगर बस रुकती है तो व्यक्ति आगे की तरफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी बॉडी तो वैसे मोशन में है, और जब ब्रेक लगाते हैं तो पैर हमारे बस के नीचे छिले रहते हैं, मतलब बस के फ्लोर पे लगे रहते हैं, तो वह तो रेस्ट में आ जाते हैं, पर हमारे जो ऊपरी भाग रहता है शरीर का, कंधे वगैरह और सिर, तो वह आगे आ जाते हैं क्योंकि वह हमारे मोशन में रहते हैं। तो इसी प्रकार के कुछ एग्जाम्पल हैं, इसी प्रकार से एथलीट और ये बस का। चलिए दोस्तों, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो सेकेंड ऑफ लॉ ऑफ मोशन हमारा फोर्स की डेफिनेशन देता है। तो फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसी को इसकी डेफिनेशन में बताया जाता है, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा फोर्स होता है। और ऑल्सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब फोर्स हमारा, इसमें ये भी बताया गया है कि लीनियर मोमेंटम फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल फोर्स अप्लाइड इन अ डायरेक्शन। ये हुआ फोर्स होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पी होता है हमारा मोमेंटम। और फोर्स की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, एफ इज इक्वल टू एम ए और पी इज इक्वल टू एम यू, एम वी या एम यू होता है, ये पी मोमेंटम होता है। तो इसमें हमने बताया हुआ था कि फोर्स सेकेंड लॉ हमारे मोमेंटम के बारे में बताता है, फोर्स और मोमेंटम को कोरिलेट करता है। चलिए दोस्तों, आपको सेकेंड लॉ में ये पी इम्पॉर्टेंट है और एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, और ये तो आपको पता ही होगा। थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। इसका मतलब, कहने का मतलब है, अगर आप एक किसी दीवार को मुक्का मारते हैं, दीवार को, तो दीवार में आपने जितना फोर्स लगाया उतना फोर्स आपके हाथ में भी ज़रूर लगा होगा। तो यही कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के लिए। ये टॉपिक है हमारा लीनियर मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। पी इज इक्वल टू एम बी होता है, बस आपको यही जानना है। और पी की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये तीन बातें आपको इसके इम्पोर्टेंट रखनी है कि ये पी इज इक्वल टू एम बी होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है, अगर कोई दो बॉडी है एम वन एम टू, ये अगर एक दो बॉडी है, पहली तो बात
कि अगर ये बॉडी हैं और इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा। तो हम अब बताते हैं, कोई दो बॉडी हैं M1 और M2 और वह U1 और U2 स्पीड से चल रही हैं और एक दूसरे से टकराती हैं। M1 U1 और M2 U2, मतलब ये पहले का मोमेंटम था M1 U1 और दूसरे का मोमेंटम था M2 U2। तो ये टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी अब चेंज हो जाती है, U1 से अब V1 और U2 से V2 हो जाती है। तो दोस्तों ये कहता है जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में होगा, मतलब M1 U1 प्लस M2 U2, पहले टकराने से पहले का ये मोमेंटम था, ये बराबर होगा हमारे M1 V1 प्लस M2 V2 जो बाद के मोमेंटम में होगा। बस यही बताना चाहता है लॉफ। इसका इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद आता है इम्पल्स। इम्पल्स होता है हमारा, इम्पल्स सिंपली बता दें, फोर्स लगाना थोड़े से समय के लिए, फोर्स लगाना किसी भी चीज़ पर थोड़े से समय के लिए, वेरी स्मॉल ऑफ टाइम के लिए, इन तो हमारा ये इम्पल्स कहलाता है। फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम, डेल्टा टी, डेल्टा टी से शॉर्ट टाइम को डोनेट किया जाता है। देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स कॉल टू चेंज इन मोमेंटम भी होता है दोस्तों, चेंज इन मोमेंटम होता है पी वी वन माइनस वी टू। अब इसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंट है फ्रिक्शन। दोस्तों इनसे भी इससे सवाल पूछ जाते हैं इम्पल्स से, आप ध्यान देना। अब आता है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है जब भी हम रोड पे चलते हैं तो दोस्तों हम देखते होंगे कि फ्रिक्शन हमें, जैसे कि मान लीजिए अगर ये अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये अगर मैं पेंसिल रख दूँ तो ये ऐसे किसी साइड पे, जिस साइड ज़्यादा बल होगा तो उस साइड खिसक जाएगी, पर इसमें फ्रिक्शन है तो ये रुकी हुई है। जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर दो सरफेस हैं तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगता है, ये एक दूसरे को रोकना चाहती है, इसी को फ्रिक्शन कहते हैं। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स और रोल ओवर अनदर बॉडी सरफेस देन अ फोर्स अपोजिंग द मोशन एक्ट्स बिटवीन देम सरफेस ऑफ द बॉडी विच आर इन कॉन्टेक्ट, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। मतलब दो बॉडी अगर एक दूसरे से चलें, एक दूसरे से स्लाइड करें या एक दूसरे के ऊपर रोल करें तो फ्रिक्शन लगता है। हम गाड़ी चलाते हैं तो टायर्स में फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं, टू बेसिक टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आर काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। चलिए दोस्तों जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। आपको इसमें नहीं दिया गया है पर हम बता देते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जब लगता है जब दो बॉडी रेस्ट में हो, मतलब इस पर हमने ऐसे रख दिया तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है अभी, क्योंकि ये बॉडी चल नहीं रही है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अगर ये बॉडी चलने लगे ऐसे हम चल रही है तब ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है, आपको ये भी जान लेना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आगे के टॉपिक। तो हमारे आगे के टॉपिक हैं, पहला है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स है हमारा, मोमेंट ऑफ फोर्स कहता है, मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क से भी जानते हैं। टॉर्क बराबर एफ इंटू डू, एफ इंटू, जैसे कि आपने अपने घर का दरवाज़ा देखा होगा तो हम उसमें जो धक्का लगाते हैं उसे हम टॉर्क कहा जाता है, टॉर्क के कारण वह घूमता है। तो टॉर्क को हम बता सकते हैं इट इज़ द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू कॉज अ बॉडी टू रोटेट अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट। मतलब अगर ये एक पॉइंट है, इसे हम ऐसे पकड़ लें और यहाँ से अगर फोर्स लगाएं तो ये एक पॉइंट की तरफ घूमेगी, मतलब ये घूमेगी, ये स्थिर ही रहेगा और ये घूमेगा, तो इसी को हम टॉर्क कहते हैं। तो ये टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा होगा, ये लेंथ पूरी, ये पूरी लेंथ डिस्टेंस डी कहलाएगी और फोर्स जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं टॉर्क। अब आता है लॉज ऑफ मोमेंट्स। लॉज ऑफ मोमेंट्स होता है हमारा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। मतलब जो हम टॉर्क एक साइड से लगाएंगे, अगर मान लीजिए अगर ये है, ये हमारा बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, तो हम इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि लॉज ऑफ मोमेंट्स हमारे नहीं आते हैं।
लॉज ऑफ मोमेंट्स में वैसे भी बेसिकली बताया गया है कि अगर हम टॉर्क एक साइड से लगाते हैं और टॉर्क अगर दूसरी साइड से भी लगाते हैं तो ये दोनों को बैलेंस करने की कंडीशन बताई गई है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस होते हैं हमारे, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस हुज रूट्स ऑफ द एक्शन आर द पैरेलल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस मतलब है कि जो एक ही साइड लगे, एक ही तरफ लगे। पैरेलल फोर्सेस मतलब ये साइड फोर्स लग रहा है तो ये वाला भी इसी साइड फोर्स लगेगा, इसे पैरेलल फोर्स कहा जाता है। जैसे कि आप मान सकते हैं कि ये एक पैरेलल फोर्स के बारे में, लाइक पैरेलल फोर्सेस, फोर्सेज विच आर पैरेलल एंड एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेज। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेज इज द सम ऑफ पैरेलल फोर्सेज। मतलब अगर ये एक पूरी एक ये लाइन है और हम ए से हम पी की तरफ एक फोर्स लगाएं और बी से एक क्यू की तरफ फोर्स लगाएं तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनका रिजल्टेंट होगा हमारा इन दोनों का सम। मतलब पूरा फोर्स कितना होगा, R इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, मतलब जो पूरा फोर्स इस लाइन पे लग रहा होगा। तो यही हमारा बताया गया है पैरेलल फोर्सेस में। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं फोर्सेस विच आर पैरेलल एंड एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक फोर्स इस साइड लग रहा है तो दूसरा फोर्स ऊपर से लग रहा है तो इसे हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। मतलब डायरेक्शन अलग होगी पर पावर एक जैसी होगी। अब आता है हमारा कपल। कपल हमारा होता है दोस्तों, अगर आप एक बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो आप ऐसे फोर्स लगाते हैं, ऐसे फोर्स एक ऊपर की तरफ लगाते हैं और एक उल्टी साइड से इस साइड लगाते हैं तो इसे कपल फोर्स कहा जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए एक ये कोई ए और बी एक कोई लाइन है, अगर हम बी से एक फोर्स लगाते हैं और ए से एक फोर्स लगाते हैं, दोनों बराबर होंगे पर उल्टी डायरेक्शन में होंगे और तो ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा क्योंकि दोनों साइड एक जैसे फोर्स लग रहे हैं और उल्टी डायरेक्शन में, तो इसी को कपल कहा जाता है। कपल इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कॉइंसाइड। मतलब वो एक ही लाइन में नहीं होंगे पर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, पर एक जैसे होंगे। अब आता है आखिरी टॉपिक हमारा दोस्तों, लीवर। लीवर होता है, आपने अगर सीसो देखा हो तो वही हमारा लीवर का एग्जांपल है। लीवर एक तो बायोलॉजी में एक लीवर होता है, एक हमारा फिजिक्स में लीवर होता है। तो हमारा लीवर होता है कि इसके तीन एग्जांपल होते हैं। पहले तो मान लीजिए मैकेनिकल एडवांटेज ये होता है कि अगर हम एक साइड से फोर्स लगाएं तो दूसरी साइड से ही सामान उठा देता है, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज। और इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन लाइन ऑफ एफर्ट। इसके पहले तीन एग्जांपल पढ़ते हैं, तीन इसके फॉर्म होते हैं। पहला होता है लीवर ऑफ फर्स्ट ग्रुप। इन दिस ग्रुप फलक्रम होता है हमारा, अभी बताते हैं हम आपको फलक्रम। बिटवीन एंड द अप्लाइड फोर्स आर लोड एंड इसका डायग्राम ये है, इसे फलक्रम कहते हैं। जैसे कि आपका सी सॉ में लगा रहता है, इस साइड से अगर एक फोर्स लग रहा है पावर और इस साइड एक हम वेट लगा रहे हैं तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमारा इस प्रकार से निकाला जा सकता है, लोड अपॉन लाइन एफर्ट। मतलब लोड ए एफ अपॉन लाइन एफर्ट बी एफ, तो ए एफ अपॉन बी एफ। इसी प्रकार से लीवर सेकंड टाइप का होता है, अगर कोई लीवर फलक्रम है वो एक कोने में लगा हो और हमारा वेट हो वो बीच में हो और हम फोर्स लगा रहे हो दूसरे कोने से, तो हमारा इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकलेगा वेट अपॉन पी। पी क्या होगा, ए एफ पूरी डिस्टेंस। इसी प्रकार से तीसरे प्रकार का लीवर होता है, लीवर ऑफ थर्ड ग्रुप कहलाता है। इसमें ये एक लाइन होता है ए बी में होता है, हम फोर्स लगाते हैं अपना पी लगाते हैं ऊपर पर इसका वेट एक साइड होता है और फलक्रम दूसरी साइड होता है, और इसका मैकेनिकल एडवांटेज होता है वेट होगा पूरा ये ए एफ होगा हमारा वेट, और ये हम इस साइड से लगाएंगे बी तो ये होगा हमारा बी एफ। दोस्तों ये रहे थे हमारे लीवर का एक आध एग्जांपल आता है पेपर में। उसके बाद आता है मेजर एक्यूरेट वेट ऑफ द फॉल्टी बैलेंस। ये हमारा सिंपली हमारा ये एवरेज निकालना बताया गया है। और दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो और आपको ऐसी वीडियोज़ चाहिए हो तो, और हम इसके क्वेश्चंस भी आगे वाली वीडियोस में कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।
सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।